हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक हेयर एक्सेसरी बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो राजस्थानी बोरला होता है, बोरटिका, और नॉर्मल मांगटिका, तो उससे कुछ मिलता जुलता सा है, जिसमें हम जो साइड में जो जूड़ा तक जाने वाली चेन्स होती है, बीट चेन, वो भी बनाएंगे। और जो एक पीछे जो लगती है चेन नॉर्मली जो होती है मांगटिके में, वो ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चीजें हमें लगेगी उसके लिए वो है ये हेड पिंस, ये दो यू पिन या जूड़ा पिन जो होता है, जिससे कि हम हमारे साइड चेन्स को जूड़े में फंसा सके। ये बोरला का जो सेंटर पीस बनाने के लिए स्प्रिंग बीट, ये बिग वॉइड बीट, ये मीडियम साइज के वॉइड बीट्स एंड स्मॉल वॉइड बीट्स, गोल्डन बीट्स, जंप रिंग्स, गोल्डन ब्रास वायर। और जो टूल्स हमें लगेंगे वो है राउंड नोज प्लायर, सिंपल प्लायर एंड अ कटर। तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्प्रिंग बीड है, क्योंकि ये देखिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये अंदर दब जाता है, तो हम इसके बीच में ये एक बिग वॉइड बीड डाल देते हैं। इस तरीके से इसे फैला लीजिए और ये ऐसे डाल दीजिए। एक हेड पिन लीजिए और उसमें एक गोल्डन बीड डाल के, आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये बीड डालते हैं तो कई बार बीड का जो होल होता है वो किसी भी साइड चला जाता है, तो आपको उसको इस तरीके से घुमाते हुए होल को यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये चला गया, ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। अगर हम ये बीड नहीं डालते तो ये पूरा इस तरीके से दब जाएगा। अब चलिए इसमें इस ओर भी एक गोल्डन बीड डाल देते हैं और इसमें हम इस राउंड नोज प्लायर से एक लूप बना देते हैं। पहले इसे कभी भी थोड़ा मोड़ लीजिए इस साइड और फिर इसे इस तरीके से इधर मोड़ करके लूप बनाइए, तो आपका लूप बिल्कुल सीधा बनेगा, अदरवाइज आपका लूप थोड़ा टेढ़ा सा बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा लूप रेडी है। अब हमें इसकी चेन बनानी है, तो ये मैंने साइड के लिए तो दो चेन बना के रखी है, पर आपको दिखाने के लिए मैं कि इसे कैसे बनाना है, चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारे स्मॉल वॉइड बीट्स थे, ये हमें दो लगेंगे, तो ये एक स्मॉल वॉइड बीट लीजिए, देन गोल्डन बीड लीजिए, फिर एक जो मीडियम साइज का हमारा वॉइड बीड था वो लीजिए, फिर वापस से एक गोल्डन बीड और फिर एक छोटा वॉइड बीड। अब ये हमने पहले से जो थोड़ी चेन बना के रखी, अगर आप पहली बार बना रहे तो इसे इसमें से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारी ऑलरेडी थोड़ी बहुत चेन बनी हुई है, तो हम उसमें से इस तरीके से इसे डालेंगे और यहाँ पे लूप फॉर्म करेंगे इस तरीके से, इसे फोल्ड करके ऐसे ट्विस्ट करके, और ये हमारे जो बीट्स थे इनको हम इधर सरका लेंगे और वापस से यहाँ से इस वायर को मोड़ करके इस तरीके से, जितना आपको लूप चाहिए उस हिसाब से आप को फोल्ड कर लीजिए। तो ये जो हमने साइड चेन बनाई है, इसमें हमें इस तरीके के 9 अटैचमेंट हमने लगाए हैं, और जो सेंटर चेन है उसमें हमें 7 अटैचमेंट लगेंगे। तो ये देखिए ये ट्विस्ट करके मैंने यहाँ पे ये रैप कर लिया था इसके ऊपर से, और अब ये जो लास्ट इसका है एंड, इसको अंदर साइड मोड़ दीजिए ताकि ये चुभे नहीं। तो
ये इसी तरीके से आप आगे भी बनाएं। बनाते हुए जो हमने बनाया हुआ है लूप, उसके जहां से हमारा लूप राउंड होना चालू हुआ है वहां तक ले जाके इसे क्लोज कीजिए। देखिए इस तरीके से ये सिर्फ हमारा लूप दिखना चाहिए, बाकी का वायर नहीं दिखना चाहिए। अब ये हो गया, इस और भी ऐसे ही इसे रैप करके प्रॉपरली लूप बना लीजिए और ये इसे कट करके अंदर साइड फोल्ड कर लीजिए। अंदर साइड फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और जो सेंटर चेन है उसको हमें बालों में फंसाने के लिए जो ये इयररिंग हुक होता है इसमें जो यहाँ पे बीड एंड स्प्रिंग होता है वो मैंने निकाल दिया है। ये देखिए ये जनरली इस तरीके की होती है, बट ये जो स्प्रिंग है ये हमारे बालों में फंस सकता है इसीलिए मैंने इसे निकाल दिया। अब इस सेंटर चेन के एक और हमें इसे फंसाना है, तो इसका जो लूप है इसे ओपन कर लीजिए और इसके लूप में इसको डाल करके वापस से क्लोज कर दीजिए। इसे अच्छी तरीके से क्लोज कर दीजिए ताकि ये तार इससे बाहर ना आए। तो ये एक जंप रिंग लीजिए और ये इस तरीके से, और जो हमने छोटे बीट्स लिए थे व्हाइट कलर के वो दो बीट्स लीजिए। और इसमें दो नोर डाल दीजिए और अब इसमें ये जो हमने सेंटर चेन बनाई थी इसे डाल करके क्लोज कर दीजिए। अब ये जो हमने साइड चेन्स बनाई थी इसके एक एक सिरे पे आप ये जो हमारे यू पिन्स है वो फंसा लीजिए या जुड़ा पिन। और जो दूसरे सिरे हैं उन्हें हम ये जो हमारी स्प्रिंग बीट थी उसमें फंसा करके क्लोज कर लेंगे। आप इसे कोई भी आपके एथनिक वेयर स्पेशली लहंगे के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और इसे आप डिफरेंट वे में पहन सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे कैसे पहन सकते हैं। ये इस ओर भी इसे फिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसे साइड चेन निकाल कर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ एज अ मांग टीका अगर आपको यूज करना है तो ये, क्योंकि रिंग्स निकालना बहुत इजी है। देखिए ये जैसे समझिए आपके माथे पे आप इस तरीके से और ये इस तरीके से लगा सकते हैं। ये पीछे में जूड़े में जाके लगे, ये इस तरीके से ये आपके माथे पे आएगा और ये पार्ट जूड़े में जाएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से लॉन्ग पीछे में भी ले सकते हैं, तीनों एक साथ इस तरीके से, या फिर आप इन दोनों को निकाल करके सिर्फ ये इतना भी पहन सकते हैं। तो ये हो गया ना हमारा 3-in-1। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये मांग टीका भी। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।